हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आज ही रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है व्हाट आर दी ऑड। यार इस फिल्म का रिव्यू करने का मुझे कोई भी इरादा नहीं था कि तबीयत थोड़ी खराब है मेरी, तो इसलिए मैं आप कुछ भी वीडियोस नहीं बनाने वाला था। लेकिन काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोले कि भाई इस मूवी को एक बार देखो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझे कोई सजा देना चाह रहे थे या मजे लेना चाह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उनके कहने पर जब मैंने इस फिल्म को देखा, ये तो टट्टी है। इस फिल्म के लिए सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट की, यानी कि 1.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इस तरह की फिल्में डिकेड में एक ही बार बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार इसी महीने इस तरह की दो फिल्में बनी है और वो दोनों कोइंसिडेंटली नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलती है, यानी कि पहली मिस्टर एंड मिसेस सीरियल किलर और दूसरी व्हाट आर दी ऑड्स। इस तरह की फिल्मों को ऑडियंस के लिए नहीं रखना चाहिए, इस तरह की फिल्मों को हमारे इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, जो हमारे इंडिया में जितनी भी जेल है वहां पर ये सारी की सारी फिल्में दिखाना चाहिए, ताकि जितने भी कैदी है उन लोगों को समझ में आए कि टॉर्चर किसको बोलते हैं। क्योंकि अब 2020 आ चुका है और टॉर्चर का तरीका वो बदलना चाहिए। जितने भी कैदी है उन लोगों को दिन में 3 बार ये फिल्म को दिखाना चाहिए, ताकि वो जो लोग गुनाह कबूल नहीं करते वो लोग भी अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। क्योंकि इस तरह की फिल्में आपके आंखों से खून निकाल सकती है, आपके कानों से खून निकाल सकती है और शायद आपको अंधा भी कर सकती है, और आप लोग हमेशा के लिए पैरालाइज भी हो सकते हैं इस तरह की फिल्में देखकर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर व्हाट आर दी ऑड इस फिल्म की बात करें तो इसमें आपको कहानी तो बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी, आप बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखने मिलेगी जो मुझे इससे पहले पता ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, रकून ये एक ऐसा जानवर है जो काफी इंटेलिजेंट है, और जो फीमेल रकून होती है वो अपने सीजन के टाइम में सिर्फ एक ही मेल रकून के साथ सेक्स करती है, उसके अलावा वो किसी एडल्ट को देखती तक नहीं है। उसके अलावा अमीरों के समोसा और गरीबों के समोसे में क्या फर्क होता है वो यहाँ पर एकदम डिटेल में बताया, यानी कि गरीबों का समोसा कौन से तेल में तला जाता है, अमीरों का समोसा कौन से तेल में तला जाता है, अमीरों के समोसे में क्या होता है, गरीबों के समोसे में क्या होता है। इसके अलावा इस फिल्म में एक बहुत ही महान बात मालूम पड़ी है, वो बात ऐसी है कि भाई अगर आप लोग को पता चल जाए तो आप लोग को भी मतलब जितनी भी प्याज बटाटे टमाटर जितने भी वेजिटेबल उन सारी समस्या दूर हो जाए। वो बात ये कि अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो टेरिस पे जाके हमेशा पेशाब करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपके पेशाब करने से वहां पर एक बगीचा बन जाए और उस बगीचे में आप मन चाहे कोई भी फ्रूट उग जाए। जैसे कि वो आदमी जब पेशाब करता है तो वहां पर बीटरूट यानी कि सलजम उग जाता है, अगर मैं पेशाब करूंगा तो शायद वहां पर प्याज उग जाएगी, क्योंकि प्याज बहुत महंगी चल रही है। अगर आप लोग पेशाब करेंगे तो शायद वहां पर गाजर मूली ककड़ी जो भी जाए वो उगा सकते हो। तो ये भी इस फिल्म से सीखने मिला। साथ साथ इस फिल्म में एक सीन ऐसा आता है जहां पर आपको फिश बात करते हुए नजर आती है। इस तरह का सीन एक मैंने साउथ की फिल्म में देखा जिसका नाम था आओ, लेकिन वहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो ये सब चीजें कभी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी उस फिल्म में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि भाई मेकर्स के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए वो लोग ने फिश का एंगल डाल दिया और अब थोड़ी देर में उस फिश को मार भी दिया, क्योंकि अब समझ चुके कि बहुत ज्यादा चूतिया गिरी हो रही, इसको फट से मार दो। अब उसको मार दिए, खैर अब उसके बाद क्या बताएगा, तो इसके बाद लोग ने अभय देओल की एंट्री कर दी। अब जब अभय देओल की एंट्री हो गई तब मैं समझ गया कि भाई इससे आगे मुझसे बर्दाश्त होगा नहीं, और मैंने इससे आगे इस फिल्म को कंटिन्यू भी नहीं करा। आपको जो बोलना है बोलो, भाड़ में गया रिव्यू, भाड़ भी गया ये चैनल, क्योंकि इस तरह की फिल्में देख देख के ना सिर्फ तबियत खराब हो रही है। मैं सोचा घर में बैठूंगा कोरोना वायरस से बचूंगा, लेकिन मेकर्स लोग इस तरह की फिल्में रिलीज कर रहे हैं, और एज अ रिव्यूअर अगर आपको ये सब चीजें देखना हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टॉर्चर है, और आपके लिए पता नहीं कौन से जन्म का बदला जो ये फिल्म मेकर्स हम लोगों से निकाल रहे। मैंने इस नेटफ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब किया और मैं हर मंथली नेटफ्लिक्स चैनल को पैसे देता हूँ भाई कि अच्छे कंटेंट देखने के लिए, लेकिन इस तरह की कंटेंट वो भी हमारे इंडियन वो बर्दाश्त के बाहर है। अब बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की फिल्में बनेगी तो भाई नेटफ्लिक्स वालों को मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप लोग में दम है तो आप हमारे इंडिया में जितने भी जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जो भी फिल्म मेकर है उन लोगों की सारों की फिल्में रिलीज करो, क्योंकि जब आप इस तरीके की फिल्में रिलीज कर सकते हो तो फिर दूसरे फिल्म मेकर जो टैलेंटेड है, जो उनको वाकई में प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिनको वाकई में मौका नहीं मिला, तो उनको अपने प्लेटफॉर्म में मौका दो, उन लोगों की फिल्में लोगों को पसंद आ जाए, एटलीस्ट ये सब टॉर्चर से तो बचेंगे। यार आज वीडियो बनाने का कुछ भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार हद खत्म कर दी यार। लोग बोलते हैं कि भाई लॉकडाउन में लोगों का दिमाग गांडू हो गया, लेकिन ये जो जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया उनका दिमाग लॉकडाउन से पहले गांडू हो चुका था, क्योंकि ये फिल्म लॉकडाउन से पहले बन चुकी है। और सही बता रहा, ये फिल्म बनाने का जो डिसीजन था वो वर्स्ट डिसीजन होगा इन सारे लोगों का जिन लोगों ने इस फिल्म की कहानी को लिखा, जिसने प्रोड्यूस किया, जिसने डायरेक्ट किया, जिसने इसमें एक्टिंग किया और जिसने ये 1.5 घंटा एडिट किया। मुझे तो समझ में आ रहा है कि कितना पेशेंस वाला आदमी होगा जिसने इस फिल्म को एडिट किया। आज यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं इस फिल्म को देखकर। आज बस यार इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।